दुनिया कहती है कि हमें राम जैसा बनना है। राम के विचारधारा ऐसे थे कि वो चाहते तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो राजा राम के लिए लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बलवान को अपने साथ नहीं लिया, असहारा को अपने साथ लिया, जिनकी कोई औकात नहीं थी उनको साथ लेकर चले। और जब वो अयोध्या से गए तो वो सिर्फ दशरथ के पुत्र राम थे, लेकिन जब वो लंका से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से लेकर, गुरु से लेकर, पत्नी से लेकर, भाई से लेकर, अपने शिष्य तक, यहां तक कि अपने भक्तों का भी मर्यादा भगवान बन के नहीं एक इंसान बनकर निभाया। तो हमें उस विचारधारा को पढ़ने की जरूरत है जिस विचारधारा से राम ने अपने जीवन को चलाया था। दुनिया कहती है कि भाई होके तो भरत जैसा, जबकि लक्ष्मण जी उनके साथ थे, भगवान राम के साथ भरत नहीं लक्ष्मण थे। उस जंगल में सोना बिना खाए पिए विदाउट व्यवस्था लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ थे, लेकिन दुनिया भाई होके तो भरत जी सबका है बोलेगा। उसका रीजन ये है कि लक्ष्मण के पास व्यवस्था नहीं था इसलिए वो अपने भाई के साथ थे, लेकिन भरत के पास तोशक था, तकिया था, रजगदी था, खाने की सामग्री थी, साथ में रहने वाली बीवी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मेरा भाई सब इस चीजों से वर्जित है तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। अच्छा जब भूख लागल हो खेर लगे खाना हो खे तो बर्दाश्त करो, लेकिन किसी के लिए आप उस अगर भोजन को छोड़ देते हैं तो त्याग उसको करते हैं। अगर केहू लगे खाने नहीं खे आओ खाना नहीं खे खा, तो जब खाना नहीं था तो लक्ष्मण जी वहां थे कि उनके पास खाना नहीं था। जब समुद्र में पत्थर फेंकने की बारी आई तो हर आदमी ने पत्थर फेंका, भगवान राम के नाम से सबने पत्थर फेंका और पत्थर तैरता गया। भगवान ने बोला कि यार आप लोग पत्थर फेंक रहे हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी फेंकूं, मैं भी एक पत्थर को छोड़ूं समुद्र में। हनुमान जी ने बोला कि ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो उस पत्थर को छोड़िए। भगवान ने जब पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो पत्थर डूब गया। तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान सब लोग फेंक रहे पत्थर छोड़ रहे तो पत्थर तैर रहा है, मैं छोड़ा तो डूब गया। हनुमान का यही शब्द था कि भगवान आप जिसको छोड़ेंगे वो डूब ही जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास आप हो, आपका विश्वास कौन है, इसलिए हम आपके भरोसे अपने पत्थर को छोड़ रहे हैं, आप किसके भरोसे इस पत्थर को छोड़ रहे हैं। तो कर्म ऐसी चीज है कि दुनिया को पत्थर में भी विश्वास जगा देती है। भगवान राम भगवान बन के इस धरती पे नहीं आए थे, भगवान राम एक इंसान बनकर आए थे, उन्होंने कर्म इतना बड़ा किया कि उस पत्थर में भी हमारा विश्वास जग जाता है और उस पत्थर को हम भगवान मान के पूज लेते हैं। हम भी इंसान हैं, जीवन में अगर किसी का हेल्प करना हो तो राम की तरह एक बार सोच के देखना, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन होगा। उन्होंने दुश्मन को भी सराहा है, दुश्मन को भी वो सम्मान दी है, दुश्मन को लतारा नहीं है, दुश्मन को नीचा नहीं दिखाया। जब रावण को उन्होंने मार दिया, मारने के बाद लक्ष्मण को बोले कि लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो, तो उन्होंने दुश्मन से भी सीखने का काम किया। हम तो अपने भाई को दुश्मन बना लेते हैं। एक राम की ओर आप लोग सब लोग रामायण पढ़ते होंगे और सुने भी होंगे। आज के डेट में वो त्रेता था, त्रेता में भाई अगर वन चला गया तो भाई ने गद्दी छोड़ दी। आज अगर भाई के सर्दी हो जाए तो लोग मनाओ तो कि भाई कोरोना में गली उठा न लेते थे, सब धर्म हमारे हो जाओ। ये दुनिया है,
ये लालच है। तो जहां लालच होती है वहां प्यार नहीं होता, जहां प्यार होती है वहां लालच नहीं होता। तो जिंदगी में भगवान राम के विचारधारा को जो दुनिया में अपना लिया, वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कभी मर सकता है, वो अमर हो जाता है। फिर अगले जो है सारे गा हम भोजपुरी पे, उसमें एक और गाना बड़ा हिट था कि अपनी तो जैसे तैसी थोड़ी ऐसी वैसी कट जाएगी, आपका होगा जनाबे। अभी एक रिलीज हुआ था कि पके घूमघरू बांध और हम नाचे थे। बहुत सारे दो गाने उसमें और रिलीज होने वाले हैं, दो गाने हम और अक्षरा जी ने किया। 6 साल बाद मेरा और अक्षरा जी का दो गाना आ रहा है। तो आप कैमरा चलाइए, बैठ करके कैमरा चलाएंगे। किस यार देखा ऐसे में पानी पानी हो गया, किस यार देखा ऐसे में पानी पानी हो गया। जिसमें बादशाह भोजपुरी में रैप किए हैं और सारे गमा हम भोजपुरी का बहुत बड़ा गाना है वो, जो कि हम लोगों ने 2 से 3 दिन में शूट किया था उसको। तो अक्षरा जी मेरा और बादशाह का कॉम्बिनेशन आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो कोशिश है हमारी, जिस तरह की सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा दे रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने भोजपुरी को देश से लेकर विदेश तक लेके जाए। हमारी जो क्षमता है हम करें, हमारी सरकार की जो क्षमता है हमारी सरकार करे। तो अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है तो बच्चों को ऐसे ही उन्नति होती है। तो हमारे बुजुर्ग हमारे जो सामने बैठे हैं, हमारे चाचा जी जिनके प्यार और आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, कुछ गा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है। क्योंकि बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपना कर में। इस दुनिया में पूजना है तो अपने माँ बाप को पूजिए, क्योंकि एक घरी पुनियाद घरी आधो में पुनियाद, अब तुलसी संघत साधे की हरी को टपरा। कोई जरूरी नहीं है 24 घंटा भगवान का नाम लेने का, अगर आपको कर्म आता है तो धर्म आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान ने यही लिखा है गीता में कि कर्म जिसको आता है उसको धर्म आने की जरूरत नहीं। आप कर्म करिए, कर्म से हजारों लोगों का भला कर दीजिए, सबसे भला तो पूजा यही है कि आपके कर्म से किसी का भला हो रहा है। तो देखा बाबू, देखो गाना हमारे बहुत तेने हिट कर रहा, शायद लोगों के सुने के मिलल हो। ए भैया की प्यार कहे परसो के काजिल रहे भूला गइल वैसे जैसे भाइल रहे। कितने लोगों ने सुना है, अगर हाथ उठाइए तो। हम तो जानते थे कि हम ही दिल के मरीज हैं। बोलो आखिर यूपी बिहार के बोलो तो हमारे पनो गोइल हो बोलो। देखिए ये मेरा भी गाना फेवरेट है, इसको गा देता हूं। अब है रुक जो भी गा ले रहे आइए हम लोग। ये संस्कृति कार्यक्रम है, आप लोग भी आर्टिस्ट है, नाराज मत होइएगा। रीजन ये है कि बहुत सारी समस्या होती है, सरकार है, प्रशासन है, इनको भी जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये मनोरंजन के लिए ही हो रहा है। इसमें किसी का पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे वो हमारे जगदम्बिका पाल जी चाचा जी हो या डीएम साहब हो। इनको अगर खेसारी को सुनना होता तो इनका बेटा हो, फोन करते बेटा हो तो दो गाना सुना के चलिए। घर में रहती हारमोनिया लेके चाचा के अपना गाना सुना के चलिए।
डीएम साहब बोलते कि भाई आप आ जाइए तो गाना सुनना है। गोरखपुर में शूट करत नहीं है, चल लेती सुना के चल लेती। लेकिन ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं आप सबके लिए की गई है। खेसारी को इतने दूर से बुलाया गया है सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, तो प्लीज इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये व्यवस्था जितनी की गई है ना डीएम साहब अपने लिए किए हैं और ना ही जगदम्बिका पाल जी अपने लिए किए हैं। ये व्यवस्था आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए की गई है, तो इसका ख्याल आपको हमेशा करना चाहिए। एक बार जोरदार हमारे डीएम साहब के लिए और जगदम्बिका पाल जी के लिए जोरदार हल्ला करके ताली बजा पाला। हम तो चाहते हैं कि चाचा 50 वर्ष रहुआ होनी चाहिए, 100 वर्ष तो जिए रहने, 50 वर्ष आवी रहुआ जिए, 50 वर्ष रहुआ जिए तो यही तो खेसरिया ना आशीर्वाद ले और खेसरिया ना धरती के सारे स्टार। मेरे से पहले माननीय मेरे बड़े भाई राजू श्रीवास्तव जी आप सबका मनोरंजन करेंगे, गए होंगे और बड़ी प्यार मिलती है एक बड़े भाई और एक छोटे भाई का सम्मान एक दूसरे के दिल में हमेशा रहता है। ये जैकेट है कि शर्ट है? शर्ट है ना, तब ठीक है, कोई बात नहीं, ठंडा लग रहा है, बैठा रहे तो सही से ठंडा लागत हो, हमारो लागत सबको लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो आप लोग अपने काम पर ध्यान दो, हम भी दे ही रहे। इलाही क्या कहा था, नहीं से थोड़ी सी ये स्टेज है, हम थोड़ा सा हीरो हीरोइन वाला काम करेंगे, चलेगा? कभी कभी हम आपको छू लेंगे। इंसान आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, तो कभी कभी हम आपको छुएंगे तो प्लीज आप दिक्कत मत मानिएगा। मैं बहुत सम्मानित आदमी हूं, हम सम्मानित कह दें तो ही लोग इतना मजा आता है, सब जाना तरह से देखे सरिया बहुत छू छू ना रहा। अब मैं भी पारिवारिक समस्या से होना तो बहुत सारी चीजों को जान गया हूँ, पहले थोड़ी सी बचपना थी तो गलतियाँ कौन नहीं करता है, तू लोग नहीं खा कह तू लोग साधुए पैदा भर बड़ा। अरे सब लोग घरे में नहीं पैदा भेल जी तो के खा चढ़ाई नहीं खा पाई, सब लोग किए, मैं भी किया हूँ, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। साधु वो होता है जो पूरे कर्मों को करके आता है। इस जीवन में हमेशा ये देखिए कि जब आप समाज को नहीं देखिएगा, अपने परिवार को नहीं देखिएगा, तो आप समाज को कैसे देख पाइएगा? वो जरूरी है, तो हम समाज से हैं, हमारे लिए हमारा परिवार हमारा समाज ही है, और जब हम समाज के हो जाते हैं तो हम परिवार के नहीं हो पाते। तो जीवन में हमेशा अपने समाज को आदर सम्मान करिए। इस दुनिया में बीवी एक ही बन के आती है, अब आप लोगों को बहन तो बना नहीं सकता, रीजन ये है कि आपको छेड़ना भी है, मुझे आपके बारे में कुछ कहना भी है, तो हम इंसान है तो बहन तो बनाएंगे नहीं, हम तो आपको अपना कोई एक्टर समझ के दोस्त समझ के ही काम करेंगे। तो मैं आपको कहीं भी छू तो प्लीज आप दुख मत मानिएगा, ठीक है? ऐसे में कहीं नहीं छूंगा, जहां की जरूरत है वही छूंगा, ठीक है? आइए हम हो भैया
जितने भी हमारे सम्मानित हमारे पिता के लोग हैं, डीएम साहब, प्रशासन के लोग, जगदम्बिका पाल जी, पापा जी, हमारी माँ, आप सबसे क्षमा चाहता हूँ मात्र 10 से 20 मिनट के लिए हमारे बाबा।